आरजेडी के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर पटना में लालू यादव ने मोदी सरकार को लेकर भविष्यवाणी की है। लालू यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। लालू यादव का दावा है कि कभी भी चुनाव हो सकता है और लालू यादव ने भविष्यवाणी करते हुए कह दिया कि दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमजोर है, अगस्त में सरकार गिर सकती है। 5 जुलाई को धूमधाम से आरजेडी का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। पटना में पार्टी दफ्तर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लालू यादव अपने पुराने अंदाज में नजर आए। जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में जोश हाई था। लालू यादव ने कहा, पार्टी अब 28 साल में आ गई है, हमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन आने वाला दिन हमारा है, हम अच्छा करेंगे। लालू यादव ने मोदी 3.0 को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी की। कहा, मोदी की सरकार अगस्त में ही गिर सकती है, ये सरकार बेहद कमजोर है। आप सभी और नेताओं से अपील है कि चुनाव सभी कर सकते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है, दिल्ली के मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि लालू यादव किस बिना पर मोदी सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार के साथ सांठ गांठ होती है तो मोदी सरकार के लिए अलर्ट की घंटी तो बज ही सकती है। हालांकि लालू यादव के शिगुफा में कितनी सच्चाई है कहना मुश्किल है। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना। वहीं लालू यादव के बयान के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। कुछ रिएक्शंस आए हैं, आपको हम सुनवाते हैं। थे और जेल के बाहर आने के बाद भी देखते हैं कि कब उनका बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए, कब भाजपा के लोग को वो परास्त कर पाए। लेकिन मेरा ये मानना है, लालू जी, जिस प्रकार से आपने बिहार की जनता के साथ हमेशा अराजकता और भ्रष्टाचार दिया है, आपके परिवार ने भी बिहार की जनता को केवल अराजकता और भ्रष्टाचार दिया, तो कहीं ना कहीं आपके कोई सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी जी 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, ये आप स्पष्ट हो जाइए कि देश की जनता ने भाजपा और एनडीए गठबंधन को मैंडेट दे दिया है। वक्ता बन गए, एक नया रोजगार ढूंढ लिया, जनादेश का सम्मान नहीं। 2004 में कितने सांसद थे, जरा कृपा करके मेमोरी पावर ठीक है ना लालू जी, और राजनीतिक भविष्यवक्ता इतने अच्छे अगर आप हैं तो आपको इस बात का एहसास था कि नहीं कि हमको घोटाला में सजा मिलेगी। आप भविष्य यह देखे थे कि नहीं अपने बेटा बेटी का कि उनको सीबीआई कोर्ट में पेशी के लिए जाना पड़ेगा, जहां आपके नाम के साथ पुकारा जाएगा, लालू प्रसाद पिता बेटा तेजस्वी यादव हाजिर हो। लालू यादव जी, मैं पहले भी कहा हूं कि लालू यादव से कमजोर कोई नहीं है, क्योंकि जो परिवार में नेता सिमट गया उससे बड़ा कमजोर कोई नहीं होता। लालू यादव को नीतीश कुमार का पैर छू के प्रणाम करना चाहिए और उनके फोटो का एक लॉकेट पहन लें। नीतीश कुमार से भूल हुई 2015 में, इनको एक नई राजनीतिक जिंदगी दी।